हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस डिस्कशन में, जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। आज है 7 सितंबर 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के एडिटोरियल्स। तो आइए सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये प्रेस की फ्रीडम से रिलेटेड है। दो चार महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये सेंटर का आर्टिकल अगेन नॉर्थ कोरिया के इशू से रिलेटेड है। बहुत कम्प्रिहेंसिव बातें की गई हैं, बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। ये जो आर्टिकल है ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये जो आर्टिकल है नीचे का, ये केस फॉर यूनिवर्सल मेडिकल केयर, यूनिवर्सल मेडिकल केयर की ये बात करते हैं। कुछ अदर डायमेंशन देखने को मिलेंगे, इसे भी डिस्कस करना है। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो हम इस पर भी अच्छे से बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये पब्लिक डेटा ऑफिस से रिलेटेड है कि एक डेटा ऑफिस जैसे पीसीओ होते हैं उनको बनाया जाए, जहाँ पर वाईफाई सर्विसेज दी जाएँ, तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ये आर्टिकल नीड से रिलेटेड है, तो नीड से रिलेटेड जो बातें हैं वो इस आर्टिकल में भी हैं, तो दोनों को कंबाइंड करके डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे पास। इसके अलावा हम एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो लाइव मिंट का भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही कंप्रिहेंसिव होने वाला है। ऐसे रहने के लिए जो हम हर दिन एक कोटेशन देखते हैं वो आज क्या है? टू माई माइंड द लाइफ ऑफ अ लैम्ब इज नो लेस प्रेशियस देन दैट ऑफ अ ह्यूमन बींग। महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट है कि एक मेमने का जो जीवन है वो किसी भी तौर पर एक इंसान के जीवन से कमतर नहीं है, मतलब वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक व्यक्ति का जीवन है। अब देखिए आप इसको कोट कहाँ कर सकते हैं। हमने देखा कि तमिलनाडु के जो फेस्टिवल्स हैं वहाँ पर बुल के साथ जो एट्रोसिटीज़ की जाती हैं जलीकट्टू में, अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसे आपको देखने को मिलता है, लिखने का अवसर मिलता है, तो वहाँ पर ऐसे कोटेशंस को कोट किया जा सकता है कि जो एनिमल्स की लाइफ है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को बोला था और इसके साथ भी आप अपने ऐसे को शुरू कर सकते हैं। तो ये ऐसे आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आइए हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है फ्रॉम कमेंट बॉक्स, हम इसमें आते हैं और देखते हैं आज यहाँ पर क्या है। तो देखिए सौरभ जी का एक क्वेश्चन है मेरे पास कि बेसल नॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो बेसल नॉर्म पर हमें बात करनी है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उन्होंने बेसल 3 के रेफरेंस में भी मुझसे क्वेश्चंस रेज किए हैं। देखिए बेसल नॉर्म के बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ कि बेसल जो है वो एक सिटी है। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। अब देखिए हुआ ये कि 1974 में बेसल की सिटी में 10 कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक के हेड्स थे वो मिले और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए हमें एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, और 1974 में गठन किया गया बेसल कमेटी का। ठीक है, अब बेसल कमेटी तो बन गई। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये बेसल कमेटी है इसकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो बाइंडिंग नहीं है, ये केवल रिकमेंड कर सकते हैं। अब ये इंडिविजुअल नेशंस पे डिपेंड करता है कि वो उनकी रिकमेंडेशंस को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 1988 में ये जो बेसल कमेटी थी इन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया। फ्रेमवर्क किस लिए तैयार किया? इसलिए ताकि जो बैंक हैं वो स्ट्रेस में ना आए। अब देखिए होता ये है कि मैं कॉमन टर्म्स में बताता हूँ तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि बैंक कई सारे लोगों को लोन दे देते हैं लेकिन बाद में वो लोग लोन वापस करते नहीं हैं। अब जब वो लोग लोन को वापस नहीं करते हैं तो जो बैंक है वो नुकसान में जाने लगते हैं, और आपको पता है कि बैंक जो होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर के स्ट्रेस में जाने का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी स्ट्रेस में जाएगी, तो कोई भी बैंकिंग सिस्टम स्ट्रेस में ना जाए इसलिए ये नॉर्म्स क्रिएट किए गए 1988 में। इसमें कहा क्या गया कि आप जितना लोन दे रहे हैं, जितना लोन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका कम से कम आप 8% अपने पास रखिए। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का लोन दिया है तो आप 8 रुपये कम से कम आप अपने पास एडवांस में रखिए, ताकि अगर इन 100 रुपये में से कुछ लोन आपके पास वापस ना भी आए तो आप कंपनसेट कर सके, ताकि जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्ट्रेस में ना जाए। और ये जो 1988 में फ्रेमवर्क बना इसे हमने कहा बेसल 1। समझ में आ रही है बात? ये है बेसल 1। ठीक है, इस नॉर्म को हमने बेसल 1 कहा, लेकिन अब इसके साथ कुछ दिक्कतें थी, कुछ जो डेफिनेशंस थी वो क्लियर नहीं थी, और बेसल 1 की इनएडिक्वेटीज़ के चलते, जो इनएडिक्वेसीज थी, जो दिक्कतें थी उसके चलते 1999 में एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया और जिसे कहा गया बेसल 2। ठीक है, इसे बेसल 2 कहा गया। अब बेसल 2 जो था उसको फाइनल अप्रूवल देखिए जाके 2004 में मिलता है, और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है
वो 2008 में हो रहा है, बेसल टू का। 2008 में बेसल टू को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसी समय पर दुनिया में सब प्राइम क्राइसिस आ जाता है। अब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो समय से करिए। अब बेसल टू को इम्प्लीमेंट करते करते ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो आ गया और बेसल टू जो है वो उसको डील कर नहीं पाया। तो अब हमें ज़रूरत महसूस हुई कि एक नए फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और इस नए फ्रेमवर्क के तहत 2010 में G20 की जो कंट्रीज थी, 2010 में जो G20 की कंट्रीज थी, ये नया नॉर्म सामने रखते हैं। बेसल थ्री के जरिए ये आता है बेसल कमिटी में और ये था बेसल थ्री। ठीक है, बेसल थ्री बनाया गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, आपने अगर इकोनॉमी पढ़ी हो या आप आगे पढ़ेंगे तो एक कार का कॉन्सेप्ट होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो बैंक हैं वो अपने पास पैसा रखेंगे, वो पैसा जो आपके पास जमा हुआ है, जो कंज्यूमर्स ने जमा किया है, वो पैसा नहीं होना चाहिए, वो पैसा जो बैंक की एक्चुअल शेयर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनका पैसा होना चाहिए, जो कि एडवांस में रखा होना चाहिए, ताकि जो बैंक स्ट्रेस में आए तो उस सिचुएशन में उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। जिन लोगों ने लोन वापस नहीं किया है उसके आधार पर ये पैसा जमा होना चाहिए, एडवांस में रखा होना चाहिए। और ये जो पैसा होगा इसे हम ऑपरेशनल रिस्क के हिसाब से रखते हैं। मतलब कि अगर आप इतना पैसा 100 रुपये दे रहे हैं तो इसमें ये रिस्क है कि हो सकता है 10 रुपये मुझे वापस ना मिले। तो ये जो 10 रुपये का रिस्क है हम इसे ऑपरेशनल रिस्क बोल सकते हैं। तो आप कम से कम 10 रुपये का स्टॉक अपने पास रखिए। ठीक है, 9.8% समथिंग पैसा रखना होता है, मैं डेटा श्योर नहीं हूँ, बट ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये बेसल का कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, जो फ्रॉम कमेंट बॉक्स का हमारा सेक्शन है, यहाँ पर आप अपने कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। जो टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है, आई अश्योर यू कि मैं उन टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। ठीक है, बाकी आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, आप कुछ नया चाहते हैं मुझसे तो उसके बारे में आप अपनी बात रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसको हम यहाँ पर डील करेंगे। आइए अपने डिस्कशन की ओर चलते हैं। देखिए, डिस्कशन आज का लंबा हो सकता है, धैर्य के साथ आप समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज हैं। एक एक्टिविस्ट की डेथ होती है, पेपर वन से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि ये जो टॉपिक है ये प्रेस जो प्रेस की फ्रीडम है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, एक जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, गौरी लंकेश, बेंगलुरु में इनकी हत्या कर दी जाती है। इनका जो बैकग्राउंड था काफ़ी अच्छा था, ये नक्सलाइट के खिलाफ में या अदर जो सोशल एविल्स हैं उनके खिलाफ में लगातार आवाज़ उठाती रहती थी। और इनके मर्डर के बाद सोशल लेवल पर बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, पूरा जो हमारा बॉलीवुड सेक्टर है वो इनके सपोर्ट में आ गया है, लोग इनके केस की CBI जांच की डिमांड कर रहे हैं ताकि फर्दर जो एक्टिविस्ट हैं वो फ्रीली काम कर सकें। तो अब यहाँ पर जो मुद्दा उठ रहा है वो प्रेस की फ्रीडम पर उठ रहा है। प्रेस की फ्रीडम को कई तरीकों से कर्व करने का प्रयास किया जाता है। हम देखते हैं जो हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें जो हमारा स्टैंड है वो 3 अंक गिर गया है और अभी हम 136वें नंबर पे हैं। ये रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक NGO है जो इस रिपोर्ट को, इंडेक्स को सामने रखता है। ये क्वेश्चन फिल्म से पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के थ्रू इशू किया जाता है। देखिए, लास्ट मंथ में हमने देखा कि गुरमीत राम रहीम को रेप के केस में सजा सुनाई गई 14 सालों की। अब इस केस के बारे में सबसे पहले जो सिरसा बेस्ड जर्नलिस्ट थे रामचंद्र, उन्होंने 2002 में एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था इस चीज़ को, बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे केसेस में थ्रेट क्रिएट होता है हमारे जर्नलिस्ट को, जो कि जो प्रेस है उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसको एडवोकेट करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे मेथड्स हैं जिनसे जो प्रेस की फ्रीडम है उसको कर्व करने का प्रयास किया जाता है, जैसे सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं उनके ऊपर कई बार अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ में स्टैंड लेते हैं तो, डिफेमेशन के केसेस चार्ज किए जाते हैं उनके खिलाफ अगर वो कोई बात ऐसा रखते हैं जो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ होता है। तो इस तरीके से प्रेस की फ्रीडम को कर्व करने का प्रयास किया जाता है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि कई बार वो लोग बिना एविडेंस के चीज़ों को सामने रखते हैं, किसी व्यक्ति को डिफेम भी करते हैं, बट अभी हम पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रेस की फ्रीडम है उसको कर्व करने का प्रयास किया जाता है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगला जो हमारा आर्टिकल है, माउंटेन्स ऑफ गार्बेज। हमने देखा कि दिल्ली के गाजीपुर एरिया में एक जो कचरे का ढेर था, हमने देखा होगा दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कचरे के पहाड़ जैसे होते हैं, वो ढह गया और वो सड़क पर आ गया। सड़क पर आने पर जो कुछ व्हीकल्स थे वो पास के जो एक छोटी सी रिवर थी, नाला था, उसमें चले गए, 2 लोगों की डेथ भी हुई। अब ये चीज़ हमें दिखाता है, ये जो इवेंट है ये शो करता है कि किस तरीके से जो इंडिया का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो निग्लेक्ट किया जा रहा है, वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, पेपर वन से टॉपिक को एसोसिएट कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन की ये दिक्कत है, प्रॉब्लम एंड रेमेडीज। ठीक है,
कचरे का ढेर किस तरीके से दिल्ली में आपको कई जगह देखने को मिलेगा, अदर सिटीज़ में भी देखने को मिलेगा, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है, इस पर हम बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है उसको नोटिफाई किए हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन जो सिटीज़ हैं वो अभी भी उससे कंप्लाई नहीं कर रही हैं, उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। देखिए, कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, कुछ डिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, कुछ नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। तो ज़रूरी है कि इनको इनकी बिगिनिंग में ही जब ये वेस्ट निकलते हैं तो सेग्रीगेट कर लिया जाए, ताकि उनको बेहतर तरीके से डील किया जा सके, साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू डील किया जा सके। अब इंडिया में देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट है, हम देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 62 मिलियन टन जो वेस्ट है वो जनरेट होता है एनुअली, लेकिन लोकल गवर्नमेंट इसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो रिसाइकिलिंग है वो भी बेहतर नहीं है जो गार्बेज कलेक्टर्स हैं उन पर, ठीक है। और ये जो जिम्मा है रिसाइकिल, जो एक्सट्रैक्शन का जिम्मा है कि किस कचरे को किस तरीके से अलग किया जाए, वो इनफॉर्मल सिस्टम में जो गार्बेज कलेक्टर्स हैं, जो हमने देखा होगा कि कचरा उठाते हैं पॉलीथीन लेकर या फिर छोटे छोटे थैले लेकर, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी चली गई है कि वो अलग करें कि कौन सा कचरा जो है वो यूज़ किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता है। तो ये सही चीज़ नहीं है। देखिए, और क्या करने की ज़रूरत है, एक नेशनल रिकॉर्ड है जिसके तहत 80% जो वेस्ट जनरेट होता है हम उसको कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेस कितना कर पाते हैं, सिर्फ 28%। तो ज़रूरी है कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है लोगों का वो किया जाए, इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाए ताकि बेहतर प्रोसेस किया जा सके। इसके अलावा जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनके पास एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए जिससे वो कचरे को ट्रांसपोर्ट कर सकें और उसको सेग्रीगेट कर सकें सोर्स पर ही कि कौन सा कचरा किस नेचर का है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत जो प्रोग्राम है ये इंडिविजुअल एक्शन पे फोकस करता है, लेकिन जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये उसकी बात नहीं करता। और इस आधार पर जो डेडलाइन है 2018 अप्रैल की, उसको जो पॉल्यूशन है कचरे का उसको डील करने में हमें दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो वेस्ट होता है उसमें कई सारा, लगभग 50% जो गार्बेज होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। उसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, कंपोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे मीथेन गैस भी बनाई जा सकती है जिससे कि हाउस होल्ड जो हैं वो पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम चूंकि सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा जो वेस्ट है वो ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है, कौन सा डिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन डिग्रेडेबल है, और सबको हम एक साथ डंप कर देते हैं, तो इससे जो बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उसको खो रहे हैं, ठीक है। और जो हाउस होल्ड बायोगैस प्लांट्स हैं उसको हम निश्चित तौर पर थ्रो कर रहे हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नुकसान अभी भी हमें हो रहा है। प्लास्टिक बैग्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिक बैग्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हम सभी जानते हैं। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि दिल्ली में प्लास्टिक बैग को बैन भी किया गया है, कई सारे रीजन्स में इंडिया के बैन किया गया है, लेकिन उनका रेगुलेशन बहुत वीक है। अब देखिए, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, रवांडा की बात ले लीजिए, केन्या की बात ले लीजिए, उन्होंने पेनल्टीज़ बहुत हार्ड लगाई हैं प्लास्टिक बैग्स पर, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही बैड मैनेजमेंट है। ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये माउंटेन के फॉर्म में कलेक्ट होते हैं, कचरे का ढेर आपने देखा ही है, रिवर्स में, लेक्स में, सी में ये इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे एनवायरमेंट के लिए थ्रेट क्रिएट करते हैं। क्या किए जाने की ज़रूरत है, जो एक चीज़ किए जाने की ज़रूरत है वो ये है कि जो बल्क वेस्ट मैनेज जनरेटर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कचरा जनरेट करते हैं, उनके पास ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो कचरे को अलग अलग करें। जो सिटी मैनेजर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि ये डेमोन्स्ट्रेबल चेंज लेकर आएं। साथ ही जो लार्ज बजट है उसको एलोकेट किया जाना चाहिए। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं उनके पास जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो प्रोसेसिंग है गार्बेज की उसको करें और कचरे को सेग्रीगेट करें। साथ ही जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि एक नोडल इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, उसके लिए चाहिए कि वो पीरियोडिक असेसमेंट करते रहें कि किस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब कंक्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही टफ अप्रोच लेने की ज़रूरत है ताकि जो नेशनल प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकें, नहीं तो जो कचरा है वो मेन सिटीज़ में होकर सब अर्बन एरियाज़ में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे। और एक अंदाज़ा है वो ये है कि 2030 तक लगभग 165 मिलियन टन जो कचरा है वो इकट्ठा होगा, तो इसको अगर हम बेहतर तरीके से डील नहीं करेंगे तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एक क्वेश्चन जो आपको डील करना है, मोर देन अ ईयर आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ मच डिलेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सिटीज एंड टाउन्स आर इन नो पोजिशन टू कम्प्लाई विद इट्स स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब इसको जो रूल्स हैं उनसे कम्प्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सजेस्ट प्रॉब्लम एंड रेमिडीज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडियन सिटीज। आपको इसका जवाब 200 वर्ड्स में लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट्स आपको आर्टिकल में ही मिल जाए। ये नॉर्थ कोरिया के क्राइसिस रिलेटेड है। उन्होंने अगेन एक हाइड्रोजन बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया, ये छठा
एक्सप्लोजन था, उनका एक न्यूक्लियर टेस्ट था जो कि संडे को किया गया। कई सारे देश जो हैं इसको कंडेम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो हमें देखनी है। देखिए, कुछ कंट्रीज हैं, यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये जो कंट्रीज हैं ये इस बात को अभी भी मान नहीं पा रहे हैं कि जो अभी तक टेंशंस को दूर करने के प्रयास किए गए हैं वो सफिशियंट नहीं है और उनसे सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। जो सुप्रीम लीडर किम जोंग है वो लगातार जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कर रहे हैं। अभी उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट किया, हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए, ये जो कंडीशंस अभी इमर्ज हो रही हैं, जो यूएस बेस्ड इंटेलिजेंस है उनका एस्टिमेशन है कि नॉर्थ कोरिया ने मिनिएचर वॉरहेड्स भी बना लिए हैं जिसको वो मिसाइल पे लगा के उस पर हमला कर सकते हैं, मतलब मिसाइल अटैक कर सकते हैं उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ। इसके पहले भी कुछ टेस्ट किए गए हैं नॉर्थ कोरिया के द्वारा, ये छठा न्यूक्लियर टेस्ट था जो कि 2011 के बाद हमने देखा कि कई सारे जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं। इसके मतलब चार टेस्ट जो हैं वो 2011 के बाद किए गए हैं, इसके पहले के जो दो टेस्ट थे वो 2006 और 2009 भी में भी किए गए थे। हम देखते हैं कि किम जोंग के पहले जो वहाँ के डिक्टेटर थे वो किम जोंग ली थे, किम जोंग इल थे, ठीक है। उन्होंने 16 मिसाइल टेस्ट भी किए थे 1994 से लेकर 2011 के बीच में, जबकि देखिए किम जोंग उन जो हैं उन्होंने लगभग 80 मिसाइल टेस्ट किए हैं। नॉर्थ कोरिया ने हुआंगसोंग 14 का एक मिसाइल टेस्ट किया जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, कैपेबल है ये यूएस के मेन लैंड तक पहुंचने में, ये यूएसए के लिए फर्दर एक थ्रेट है। ट्रंप का जो बैलिस्टिक स्टैंड है वो कुछ इस तरीके से है कि वो लगातार नॉर्थ कोरिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना के साथ इंगेज हो रहे हैं, चाइना के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन वो ब्लेम कर रहे हैं चाइना, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स नहीं लिए हैं, उनके स्टेप्स डिसअपॉइंटिंग हैं, वो सिर्फ बात कर रहे हैं और उन्होंने नॉर्थ कोरिया के क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए कोई भी सॉल्यूशंस नहीं अपनाए हैं। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने फिर से नॉर्थ कोरिया के जो टेस्ट हैं उनको कंडेम किया है। चाइना और रसिया जो हैं ये नॉर्थ कोरिया के मिसाइल न्यूक्लियर टेस्ट को कंडेम करने को तैयार हैं, क्रिटिसाइज करने को तैयार हैं, बशर्ते वो ये चाहते हैं कि यूएस और साउथ कोरिया जो हैं वो अपना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सस्पेंड कर दें, जिस पर कि नॉर्थ कोरिया जो है वो बात करने को तैयार हो जाए, डायलॉग्स में आने को तैयार हो जाए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि साउथ कोरिया और यूएसए इस बात के लिए राजी नहीं है। न्यूक्लियर क्राइसिस पास्ट में भी आए हैं नॉर्थ कोरिया के साथ, उसकी एक हिस्ट्री हम देखते हैं कि देखिए एनपीटी जब साइन हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें कोई भी नया देश उन 5 देशों के अलावा जिन्होंने 1964 में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए थे उसके बाद कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, एनपीटी में ये बात थी। तो शुरू में नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी को साइन किया था, लेकिन 1993 में उन्होंने इस बात की धमकी दी कि वो एनपीटी से बाहर चले जाएंगे। इसके बाद बहुत क्राइसिस क्रिएट हो गया, लेकिन बाद में यूएसए के साथ एक न्यूक्लियर फ्रेमवर्क साइन किया गया 1994 में, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको सस्पेंड किया और ये अश्योर किया कि वो एनपीटी से बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग $800 मिलियन का फूड एड भी दिया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दिया नॉर्थ कोरिया को। लेकिन जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जॉर्ज बुश आते हैं 2002 में, तो वो जो 1994 का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था उसको नल एंड वाइट कर देते हैं, एनल कर देते हैं, और नॉर्थ कोरिया को वो एक्सिस ऑफ एविल डिक्लेयर कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया भी इस पे रिएक्ट करता है और वो 2003 में खुद को एनपीटी से अलग कर लेता है। चाइना और रसिया ने इस चीज इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक 6-पार्टी टॉक ऑर्गेनाइज करी, जिसमें यूएस भी एक पार्ट था। प्रेशर बनाने का प्रयास किया गया जापान, साउथ कोरिया के द्वारा जो रीजनल अलाइज थे, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला जा सका। और हम देखते हैं कि 2006 में जब नए सैंक्शंस इम्पोज किए गए यूएस के द्वारा, तो नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट, पहला न्यूक्लियर टेस्ट 2006 में किया, और इस तरीके से जो 6-पार्टी टॉक्स थी वो कोलैप्स कर गई। अब देखिए इस इशू को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि चाइना पे बहुत ज़्यादा प्रेशर यूएस बनाता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, लेकिन एक बात है कि क्या नॉर्थ कोरिया सच में चाइना की बात सुनता है? जबकि देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया लगातार खुद चाइना को एम्ब्रेस करने का प्रयास करता है। उन्होंने मिसाइल टेस्ट तब किया जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट चल रहा था, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया जब ब्रिक्स की समिट चल रही थी। तो वो क्या वास्तव में चाइना के इन्फ्लुएंस में है? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ तरीके हो सकते हैं कि ये जो डी न्यूक्लियराइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है या री यूनिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको किनारे रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये काम नहीं कर रहा है। एक बेहतर कॉन्सेप्ट हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, तभी उनसे बातचीत करी जा सकेगी। आपको रियलिस्टिक होना है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है
और आप उसे खत्म नहीं कर सकते। उनके पास इनसिक्योरिटी है, नॉर्थ कोरिया को इनसिक्योरिटी है, लीबिया का क्या हुआ था, इराक का क्या हुआ था, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी के चलते वो लगातार अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं। अगर आप इसको सच में रोकना चाहते हैं तो आप इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक्सेप्ट करिए और फिर उनसे बातचीत करिए कि उसको रोकें, ज़्यादा इन्हेंस ना करें। म्यूचुअल रिकॉग्निशन की ज़रूरत है ताकि रियूनिफिकेशन किया जा सके, साथ ही क्लोजर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यूएस और साउथ कोरिया की नॉर्थ कोरिया से बातचीत करने के दौरान, ठीक है। पैरेलल निगोशिएशन होने चाहिए पॉलिटिकल लेवल पे भी और न्यूक्लियर ट्रैक पर भी। केवल पॉलिटिकल लेवल पे बात करने से सॉल्यूशंस नहीं निकल पाएंगे, तो ये कुछ अच्छे सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम के हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हमारा जो अगला आर्टिकल है, अ केस फॉर यूनिवर्सल मेडिकल केयर, पेपर टू से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। कंटेक्स्ट यही है कि नीट का लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मेडिकल लेवल में कई सारे सुधार की आवश्यकता है। आर्टिकल में एक बात जो कही जा रही है वो ये है कि हमें बेसिक डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मेडिकल एजुकेशन जो है वो प्रोसेस, मतलब बिगिनिंग प्रोसेस है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। हम देखते हैं कि विलेज के एरिया में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा स्कैसिटी है, जबकि अर्बन एरियाज में डॉक्टर्स जो हैं वो सरप्लस में हैं, ठीक है। जो मेडिकल एजुकेशन है इस पर बात करने की आवश्यकता है, हालांकि इसका मेडिकल एम्प्लॉयमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। स्टिल जो मेडिकल एजुकेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है जो क्राइसिस अभी मेडिकल सर्विसेज में है उसके लिए, ठीक है, हमें उस पर बात करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि 75% जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में हैं, जबकि अर्बन एरिया में इंडिया की केवल 33% जो पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है। लार्ज नंबर ऑफ जो पोस्ट के जो डॉक्टर्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेडिकल एडमिशन से स्टार्ट होती हैं, मतलब मेडिकल एडमिशन का जो स्टेटस है वहीं से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। देखिए, प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन है उसमें तो जो बहुत पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर होना एक सोशल स्टेटस की बात है। अब जब ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं तो वो विलेज के एरिया में जाके सर्विस देते नहीं हैं, वो अर्बन एरियाज में रहने का प्रयास करते हैं, तो इससे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। तो अगर आप इंक्लूसिव केयर चाहते हैं पूरी इंडिया में, अर्बन लेवल पे एज वेल एज रूरल लेवल पे, तो जो पहले सुधार की आवश्यकता है वो मेडिकल एडमिशन में है, मेडिकल एम्प्लॉयमेंट में नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीट की बात कर लेते हैं, नीट का जो आर्टिकल है उससे भी पॉइंट यहाँ पर है। तो नीट का जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है उससे निश्चित तौर पर जो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर एडमिशन लिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। अब प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो पैसे लेकर, डोनेशंस लेकर एडमिशन नहीं दे पाएंगे, उन्हें एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना होगा। साथ ही देखिए, जो इंटरमीडिएट में मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन्स होते थे वो भी एक अच्छा अप्रोच नहीं था, क्योंकि उसमें बच्चा जो एग्ज़ाम है वो एक बार ही दे पाता था मेडिकल एडमिशन में, मतलब मार्क्स तो जो इंटरमीडिएट के हैं वो एक बार आ गए तो आ गए, लेकिन नीट में एक बच्चा फेल होने के बाद अगेन ट्राई कर सकता है, तो ये एक बेहतर स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। सिलेबस कैसा होगा, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इन चीज़ों को तो निगोशिएट किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो नीट एक अच्छा अप्रोप्रिएट स्टैंड है, ताकि जो मेडिकल एडमिशन्स हैं अगर उनको सही किया जा सका तो जो एम्प्लॉयबिलिटी है मेडिकल सेक्टर में उसको भी बेहतर किया जा सकेगा। वे फॉरवर्ड, देखिए वे फॉरवर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जो इनइक्वलिटीज़ है डॉक्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा है, जो पुअर बैकग्राउंड के डॉक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिनके पास पैसे हैं वो तो मेडिकल एजुकेशन के बाद क्लिनिक्स खोल लेते हैं, लेकिन पुअर बैकग्राउंड के डॉक्टर्स को दिक्कत सहनी पड़ती है। जो एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट प्रैक्टिस को ही बैन कर दे, मतलब डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर ही ना पाए, बल्कि जो गवर्नमेंट है वो खुद ही सभी डॉक्टर्स के लिए एम्प्लॉयर का काम करे, वो एक यूनिवर्सल मेडिकल केयर लेकर आए जहाँ पर वो मेडिकल ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेशनल हेल्थ सर्विस है यूके की, ठीक है। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो अर्बन एरियाज में डिसअपीयर किए जाने की ज़रूरत है, और इस हिसाब से अगर नीट का अपोजिशन किया जा रहा है तो वो महज एक सच को छुपाने का प्रयास कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, डेवलपमेंट मस्ट बी क्लाइमेट स्मार्ट, पेपर थ्री से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे कंजर्वेशन। हमने देखा कि मॉनसून, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, वो लगातार हैवी रेन कर रहा है, फ्लड आ रहे हैं, बहुत सारी लाइव्स जो हैं वो मुंबई, चंडीगढ़, माउंट आबू में खतरे में पड़ी हैं। अब इस पर देखिए, हम ये कह सकते हैं कि देखिए जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC की जो स्पेशल रिपोर्ट है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई। अभी IPCC क्या है पहले इसी को देख लेते हैं।
देखिए आईपीसीसी जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर 1988 में बनाया गया था। एकदम अच्छे से आपको पता करना है। अब इनका जो काम है वो ये है, देखिए ये कोई नया काम नहीं करते हैं, ये जो अदर ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च वगैरह करते हैं ये उसी को अपनी साइट पे पब्लिश कर देते हैं। ये असेसमेंट रिपोर्ट निकालते हैं आईपीसीसी, जिसको एआर कहा जाता है, असेसमेंट रिपोर्ट 1, असेसमेंट रिपोर्ट 2, असेसमेंट रिपोर्ट 3, ठीक है। तो ये इनका काम है कि साइंटिफिक एविडेंस लेकर आए क्लाइमेट चेंजेस रिलेटेड, प्रोजेक्शंस करें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट का, साथ ही अपॉर्चुनिटीज जो क्लाइमेट चेंज के एडाप्टेशन में है, मिटिगेशन में है, उसके बारे में ये बात करें। तो ये अपनी नई रिसर्च वगैरह कोई नहीं करते, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिसर्च है उसको ये सामने रखते हैं जिस पर एक्शंस लिए जा सके। तो ये आईपीसीसी के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है वो इस बात को सामने लाती है कि अभी हमें क्लाइमेट चेंज के चलते कई सारे एक्सट्रीम इवेंट्स का सामना करना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी आएगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी जो क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स हैं, क्लाइमेटिक इवेंट्स में, ठीक है, जिससे वेदर जो कंडीशंस हैं वो खराब होंगी, क्लाइमेट इवेंट्स इंटेंसिफाइड होंगे, फ्रिक्वेंसी उनकी बढ़ेगी, मानसून रेनफॉल जो है वो इंक्रीज होंगे। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो रेनफॉल का स्टेटस है वो शुरू में बढ़ेगा और लास्ट के डिकेड में घटना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है, स्पेशल रिपोर्ट है, ये काफ़ी चिंताजनक है और ये फर्दर की जो चुनौतियाँ हैं उनको हमारे सामने रखती है। अब देखिए रेनफॉल का जो स्टेटस है वो 1951 से 2000 के बीच में क्या रहा है। बी एन गोस्वामी जो फॉर्मर डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के, उन्होंने इस बात को सामने रखा कि जो मैग्नीट्यूड और फ्रिक्वेंसी है एक्सट्रीम रेनफॉल की वो काफ़ी अनइवन है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में वो लगातार अनइवन हो रही है, कभी तो फ्लड आ जाते हैं और कभी ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर हुई हैं। इस बीच में भी अंडरस्टैंडिंग अगर हम एक्सट्रीम इवेंट्स की कर लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा। देखिए अगर आप एक्सट्रीम इवेंट्स को अच्छे से समझ पाते हैं तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको उनको बेहतर पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं वो बेहतर रिस्पॉन्स कर पाएंगे, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो अच्छा प्लान कर पाएंगी, ठीक है। सिटीज़ जो हैं वो फ्लडिंग को रिड्यूस करने में काम कर पाएंगे, काउंटर्स वगैरह बना पाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर कर पाएंगे। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे ट्रांसपोर्ट से सिस्टम में, साथ ही जो ऐसे सिचुएशंस आती हैं तो लोगों को किस तरीके से केयर दी जा पाए उस पर भी वो अच्छी तैयारी कर पाएंगे डिजास्टर्स की कंडीशन में। इंश्योरेंस कंपनीज भी खुद को तैयार कर पाएंगी, उन्हें उस सिचुएशन में कैसे डील करना है, कितना जल्दी रिएक्ट करना है, और साथ ही जो रिसर्चर्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जो क्लाइमेट चेंज है, जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं उसके, उस पर भी वो बेहतर रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। तो एक्सट्रीम इवेंट्स को समझा जाए, ये बोनाइजेशन एंड हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं। आप पहले के सैटेलाइट इमेजेस लेकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि कई सारे नेचुरल चैनल्स पहले हुआ करते थे जिनसे जो शहरों का पानी था वो शहर के बाहर चला जाता था, लेकिन आज बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है जिससे नेचुरल ड्रेनेज जो है वो बंद हो चुके हैं। साथ ही जो डैम वगैरह रिवर्स पर बनाए गए हैं सिल्टेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, इस वजह से भी जो शहरों में पानी का जमाव है वो बढ़ता जा रहा है। कोस्टल सब्सिडेंस भी, जो कोस्ट हैं वो लगातार सब्ज्यूम हो रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अब देखिए जो रेन है अगर वो नेचुरली होती है तो जो हमारी सॉइल है या वेजिटेशन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन आज वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? देखिए कारण ये है कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है, रोड्स, हाईवेज, बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब देखिए पहले जब बारिश होती थी तो ये ज़मीन उसको सोख लेती थी, लेकिन आज ज़मीन कैसी है? आज ज़्यादातर ज़मीनें सीमेंटेड हैं, वो पानी को कैसे सोख पाएंगे? वो पानी को सोख पाते नहीं हैं, पानी का जो रेस्पिरेशन है वो नीचे हो नहीं पाता है, और वो जो ड्रेनेज पैटर्न है आपने उसको भी ब्लॉक कर दिया है। तो बताइए क्या होगा? पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा सकता, पानी शहर के बाहर नहीं जा सकता। बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, ठीक है। फर्दर जो बैरियर्स लगाए गए हैं नेचुरल जो मूवमेंट है वाटर का उसको रोकने के लिए, ये भी एक समस्या है, ठीक है। इंडिया में जो अर्बन ग्रोथ है वो लास्ट के डिकेड में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है हाइड्रोलॉजी के पैटर्न को, और इससे जो हमारा अर्बन सिस्टम है उसमें जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको भी इग्नोर किया जा रहा है वाटर बॉडीज़ का। तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है, जो कि हमें दिख भी रही हैं। क्या किए जाने की ज़रूरत है? आपको क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट किए जाने की ज़रूरत है। आप जब भी डेवलपमेंट कर रहे हों आपको इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस को ध्यान में रखना है, मोरल हैजार्ड क्या हो सकता है, आप उसको कैसे अवॉइड करेंगे, आपको उसको भी ध्यान में रखना है। इन्वेस्टमेंट ऐसे एरियाज में करिए जहां पर जो एरियाज वल्नरेबल हैं, जहां पर रिस्क ज़्यादा है। जब भी इन्वॉल्वमेंट है, जब भी आप स्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग कर रहे हों तो इन्वॉल्वमेंट का ख्याल जरूर रखा जाए, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। साथ ही जो एग्जिस्टिंग लेक बेड्स हैं, जो नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे जो कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं उनको तुरंत ख़त्म किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। अगर हम ऐसा अभी भी कर पाते हैं तो कुछ समस्याओं को समाधान में लाया जा सकेगा। कंक्लूजन ये हो सकता है कि देखिए जब भी ये क्लाइमेट चेंज में
प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं तो जो पुअर कंट्रीज़ हैं या पुअर लोग हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस हिसाब से जो ज़रूरत है कि वल्नरेबल सेक्शंस पे ध्यान दिया जाए और क्लाइमेट चेंज को कब करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। क्वेश्चन है व्हाई देयर इज अ नीड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट इन इंडिया, डिस्कस करना है 200 वर्ड्स में, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वाईफाई पब्लिक। अब देखिए यहाँ पर जो बात है, ये गलती से मैंने यहाँ पर कंजर्वेशन लिख दिया है, ये इससे एसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं पेपर टू में, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखिए रिसेंटली ट्राई एक प्लान लेकर आ रही है जिसमें जैसे आप, मैं आपको पहले कॉमन लैंग्वेज में बता देता हूँ फिर अच्छे से क्लियर होगा। जैसे पहले एक पीसीओ होता था, आप वहाँ पर जाते थे और खड़े होकर आप फ़ोन से बात कर लेते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा ही अभी एक नया कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया जा रहा है जिसको हम पब्लिक डेटा ऑफिस बोलेंगे। उसमें होगा क्या कि जगह जगह पर वाईफाई सिस्टम जनरेट कर दिए जाएंगे। सपोज करिए किसी पब्लिक जगह पर, चाय की दुकान पर हमने एक वाईफाई सिस्टम जनरेट कर दिया, वहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो 500 मीटर के एरिया में सस्ते रेट पर 2G, 2G, 3G और 4G जो डेटा सर्विसेज हैं वो पा सकेंगे। उसके लिए उनको थोड़ा सा पे करना होगा, जैसे आप वहाँ पर एक कॉइन डाल देते थे और आप बात कर पाते थे, वैसे ही कुछ मैकेनिज्म अपनाया जाएगा जिसमें आप थोड़ा सा पे करके जो वाईफाई की सर्विस है उसको अवेल कर पाएंगे। तो ये जो सिस्टम है इसको हमने पब्लिक डेटा ऑफिस बोला, ठीक है। तो ये मॉडल नया लाया जा रहा है जिसको ट्राई ने प्रपोज किया है। अब इसमें जो यहाँ पर बात की गई है वो ये है कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, इससे जो इंटरनेट का एक्सपेंशन है वो बढ़ेगा, जो हमारा डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें मदद मिलेगा, जो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है वानी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स हैं। वाईफाई डब्बा, देखिए एक कॉन्सेप्ट आया था वाईफाई डब्बा, एक स्टार्टअप था बेंगलुरु का जिसने इस चीज़ को ऑलरेडी स्टार्ट किया। उन्होंने जो चाय वालेज हैं यानी कि जो टी स्टॉल्स हैं वहाँ पर एक प्रीपेड टोकन रेंजिंग सिस्टम बनाया जिसमें 2 रुपये में 100 MB और 20 रुपये में 1 GB डाटा जो था वो लोग वहाँ पर पा सकते थे। अब देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुद्दा ये है कि जिन पब्लिक स्पेस पर जेंडर इंक्लूसिव होनी चाहिए, जैसे कि प्लान बनाया गया कि आप चाय वाले की दुकान पर या फिर अदर जगहों पर आप जाके वाईफाई इंस्टॉलेशन दे देंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि कितनी महिलाएँ हैं जो चाय वाले की दुकान पर जाती हैं, ठीक है। आपको ऐसे जगहों का चुनाव करना चाहिए जहां पर महिलाओं का भी आना जाना होता हो, जैसे रेलवे स्टेशन पर ऐसा किया जा सकता है, चिल्ड्रंस स्कूल किए जा सकते हैं, गर्ल्स कॉलेजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है। कंक्लूजन में ये है कि चाय वालाज जो हैं वहाँ पर अगर आप इसको कॉमन प्लेस कंसिडर कर रहे हैं तो ये निश्चित ही हाईली जेंडर्ड है, क्योंकि चाय वालाज पर अर्बन एरियाज में भी जो महिलाओं का एक्सेस है वो नहीं होता है, गाँव में तो आप छोड़ ही दीजिए। तो आपको पब्लिक स्पेस की जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है और प्रोग्राम को जेंडर इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला जो आर्टिकल है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, पेपर टू से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंटेक्स्ट है डिजिटल ट्रांजेक्शन। हमने देखा कि 2017-18 में की RBI की एक जो है वो एनुअल रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया गया कि जो कॉम्पिटिशन ऑफ फ्रीडम है ये एक इसेंशियल टूल है जो कि मार्केट को डिस्टॉर्ट होने से बचाते हैं। हमने देखा कि 500 और 1000 के नोट को ओवरनाइट बैन कर दिया गया, जो कि हमारी इकोनॉमी में 85% की जो करेंसी थी उसको कवर करते थे, जिससे जॉब्स, इनकम, लाइवलीहुड, इन्वेस्टमेंट सबका नुकसान हुआ। हमने देखा कि निगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि अप्रैल जून में जो ग्रोथ थी वो 5.7% पर आकर रुक गई। डिमोनेटाइजेशन के कई सारे नुकसान हुए, इसने सप्रेशन ऑफ फ्री चॉइस को सप्रेस किया, जो लोगों की फ्रीडम थी कि वो कैश को कैसे यूज करेंगे इसने उसको भी रोका। लेकिन कई सारे रीजंस ऐसे थे जिससे इस डिसीजन को जस्टिफाई किया गया और उसमें एक महत्वपूर्ण रीजन था, वो था कि ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाएगा। लेकिन क्या वास्तव में इसने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाया? अब हमें उस पर बात करनी है। देखिए डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को आगे बढ़ाने में जो एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या है? पहली जो प्रॉब्लम आई वो ये है कि रोबस्ट कॉम्पिटिशन नहीं है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के फील्ड में, इनोवेटिव पॉलिसीज भी नहीं है, अनसर्टेनिटीज हैं कि जो पेमेंट रेगुलेटर्स हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो कितनी है, मतलब अगर कोई इन नॉर्म्स को तोड़ता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में इंटरवीन करता है तो वो किस तरीके से चीज़ों को रेगुलेट करेंगे, इस पर भी बहुत क्लियर कट बातें नहीं की गई हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो रोड मैप है वो भी क्लियर नहीं है। साथ ही असिमेट्रिक प्रेफरेंस हायरकी है, मतलब हमें नहीं पता है कि कौन सा जो रेगुलेटर है, कौन सा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो बेहतर है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। तो ये प्रेफरेंस हायरकी है ये भी सही नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में हमारे सामने आ रही हैं। आर्टिकल में जो बात की गई है वो ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट, ये और भी कॉम्प्लिकेट कर देगा रेगुलेटरी डिबेट को,
कि किस तरीके से जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनको आगे बढ़ाया जाए। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी है उन्होंने बी एन सी कृष्णा की एक कमेटी स्टैब्लिश की है जो कि डेटा प्राइवेसी पर अपनी जो डिसीजंस हैं वो देंगे, ये एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे ताकि लोगों की प्राइवेसी को और बेहतर इंश्योर किया जा सके। 5 पिलर्स जो डेटा प्राइवेसी के हैं, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के हैं, वो 2012 में जो प्लानिंग कमीशन था उन्होंने बताए थे, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर पाएंगे। एक तो टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल प्राइवेसी होनी चाहिए, मतलब केवल डेटा पे कंसंट्रेट नहीं करना है। डेटा कई फॉर्म में होता है, इमेजेस के फॉर्म में होता है, वीडियोस के फॉर्म में होता है, तो हर डायमेंशन में जो प्राइवेसी है वो इंश्योर होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए नॉन स्टेट एंटिटीज़ और स्टेट एंटिटीज़ के बीच में, मतलब गवर्नमेंट अपने स्टैंड पर डेटा की प्राइवेसी को इंश्योर करे, साथ ही जो प्राइवेट रेगुलेटर्स हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें। हॉरिजॉन्टल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। कन्फर्मिटी जो है वो प्राइवेट प्रिंसिपल्स पर होनी चाहिए, जो प्राइवेसी प्रिंसिपल्स हैं उनको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पर इंश्योर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही को एग्जिस्टेंस होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं उनके बीच में, और जो सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उनके बीच में इन्फोर्समेंट रिजीम बेहतर होना चाहिए। लेकिन आयरनी ये है कि हम अभी भी इन बातों को 2012 के बाद भी अपना नहीं सके हैं जो कि अपनाने की आवश्यकता है। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यू और डिजिटल वैल्यूम को बढ़ाने के लिए, डिजिटल पेमेंट के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जो एक अच्छा बेसिस हो सकता है वो हो सकता है ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट इंक्रीज करेंगे डिजिटल पेमेंट्स पर, हमने देखा कि जब पेटीएम का इस्तेमाल खूब ज़्यादा किया जा रहा था तो कई बार देखा गया कि लोगों का पैसा मोबाइल में से कट गया, जो रिटेलर्स थे उनके पास पहुँचा ही नहीं, रिटेलर ने सामान दे दिया, पैसा उनके पास कंज्यूमर का आया ही नहीं, तो इससे जो ट्रस्ट है वो डेविएट हुआ। तो पहले तो आप ट्रस्ट जनरेट करिए ताकि बेहतर तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, और जो रेगुलेशंस होने चाहिए वो कंज्यूमर बायस्ड होने चाहिए, आपको कंज्यूमर्स का ध्यान रखना है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका नहीं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर्स का ध्यान रखेंगे तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल आज हमने डिस्कस किया, बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए हैं, निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है आपको फायदा मिला होगा। एक क्वेश्चन जो आपको डील करना है वो है, Along with demonetization, many other steps have been taken to foster digital transaction. What are the challenges while stepping ahead for digital transaction? How can privacy concerns be addressed associated with it? 200 words में आप, तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन समाप्त होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उन्हें अपने सेशन में इंक्लूड करेंगे, उनका जवाब देंगे। आपके कोई सजेशंस हैं तो हमें ज़रूर दें। अगर आपको ये डिस्कशन यूजफुल लगते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज पर। Thanks for watching this discussion. Thanks a lot.